पता नहीं ना दी, मेरा जंगल जमीन है, मेरा जगह है, मेरा जमीन में हम किसी से क्यों पूछ के सर, किसको अनुमति दिया क्या वरना गुप्ता को कि मेरा जमीन पे आके अधिकार लगाएगा। सवाल आप बन्ना गुप्ता से करिए, जाके बात करिए, नहीं करेंगे आप बन्ना गुप्ता से सवाल करिए, आप उनसे सवाल किए क्या सुनेंगे आप। हमारे सपोर्ट करे तो जेबी के से और जयराम दा, और क्यों हमारे सपोर्ट नहीं करे ऐसा लोकल नेता मंत्री हमें सभा टीम जाए जाए तो कहीं जी क्यों हमारे सपोर्ट नहीं करे जेबी के से और जयराम दा, हमारे कथा ले नीचे न्यूज देखे करे हमारे फोन करे छे जबकि हमें ऐसा नेता मंत्री सभा टीम जाए जी पाए पड़ते। जोहार दोस्तों, अभी आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप देखा और अभी आप हमारी स्क्रीन में एक वीडियो भी देख रहे होंगे जो कि चल रहा है, और इस वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक महिला के हाथ में एक हथियार है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कारण रहा कि एक महिला अपने हाथों में हथियार लेके आज अपना जमीन बचाने के लिए उतरी हुई है। इस वीडियो में हम आगे कुछ बात करें, उससे पहले हम आपको एक पोस्ट दिखाना चाहते हैं जो कि जेबी केसेस के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने अपने फेसबुक पेज में किया है। चलिए पोस्ट को देखते हैं। अपने पूर्वजों की धरोहर जमीन का टुकड़ा बचा लो झारखंडी, कैसे बचाओगे इसका निर्णय स्वयं करो, क्योंकि धनबाद में डीसी बोलता है बहुत जमीन है, थोड़ा कब्जा कर लिया तो क्या हुआ। जमशेदपुर में मंत्री और कॉरपोरेट्स ब्यूरोक्रेट्स की सहायता से जमीन हड़पना चाहते हैं, अब बताओ कहां और किसके पास जाओगे फरियाद लेकर। टाइगर जयराम महतो ने अपने फेसबुक आईडी में यह पोस्ट किया है कि अपना जमीन रहे चाहे अपना हक अधिकार रहे, आपको खुद लड़ना होगा, इसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे जयराम महतो ने अपने सभा में भी इस बात को रखा था कि जब एक व्यक्ति डीसी के पास जाता है अपना जमीन का बचाव के फरियाद लेके, तो डीसी का क्या जवाब आता है कि महतो लोग का तो बहुत जमीन है, एक दो को कब्जा कर लिया तो क्या हो गया। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि बिहारी लोग का भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, रांची चले जाइए, धनबाद चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, चलिए हम दो चार को कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम भी चलिए दो चार को बिल्डिंग कब्जा कर लेते हैं, यहां बाहरी लोग का बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां के लोग, यहां के नेता मंत्री तक इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि यहां के नेता मंत्री तक जमीन को हड़पने में लगे हुए हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं छठ पर्व के नाम पे एक खतियानी व्यक्ति का जो उतना बड़ा सा बांध है, उस बांध को अवैध रूप से कब्जा किया गया है कुछ बाहरी लोगों के द्वारा और कुछ नेता मंत्री के द्वारा, और इसमें तमाम लोग इसमें शामिल है। कुछ कुछ हम वीडियो क्लिप भी अपने साइड में दिखाते जाएंगे कि वहां के क्या है पूरा मामला और जिसका जमीन है वो लोग क्या क्या अपने बयान रख रहे हैं। लेकिन हम लोग आस्था से भी खेला जा रहा है, ठीक है, हम लोग मानते हैं छठ पर्व आस्था का पर्व है, हम लोग छठ पूजा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, छठ पूजा करे हम लोग भी करेंगे, उनका साथ देंगे, मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी आस्था से खेला जा रहा है जहाँ की हम लोग का मालकुंडी। आज यदि कोई महिला हथियार उठाने में मजबूर है, आज कोई व्यक्ति मंच में जाके यदि अपशब्द बोलता है, अरे डीसी, अरे एसपी, बहुत जल्दी लोग एक्शन ले रहा है कि जयराम महतो ऐसे बोलता है, अरे डीसी, अरे एसपी, अरे क्या बोलेगा भैया, आप लोग डीसी एसपी के लायक है रहोगे तब ना आप लोग को डीसी एसपी एसपी के आगे संबोधित करके आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के दलाली करते हो, नेता मंत्री का गुलामी करते हो। आप लोगों को इसलिए रखा गया है कि आप लोग जनता के सेवक हैं तो जनता की सेवा करें, ना कि आप लोग किसी कंपनी के वहां जाके मिठाई खाएं और किसी नेता मंत्री का दलाली करें। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि कभी आस्था के नाम पे तो कभी झारखंड के विकास के नाम पे यहाँ के नेता मंत्री यहाँ के लोगों के जमीन को लेते हैं, लेकिन ना तो विकास होता है और ना ही हमारी आस्था बचती है। आप लोग देख रहे होंगे जिस तालाब को अभी छठ पर्व के लिए सजाया जा रहा है और जिस तालाब को लेकर अभी लोग विरोध किए हुए हैं, जो वहाँ के खतियानी लोग हैं उनकी आस्था भी उसी तालाब से ही जुड़ी हुई है। उस तालाब के बीच में सुअर, आप लोग जानते ही होंगे, हमने कभी किसी का आस्था का विरोध नहीं किया और ना ही कभी हमने विकास का विरोध किया। लोग कहते हैं कि ये लोग खुद विकास का विरोधी है, ये लोग कहते हैं कि ये लोग बाहरी पर्व का विरोधी है, हम लोग किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन जब आपका आस्था है उस तालाब में तो हमारा भी आस्था है। तो आप लोग ने देखा होगा वो लोग बयान दे रहे हैं, वहाँ के लोग जो भी वहाँ के ग्रामीण है जिनका वो जमीन है, जिनका जगह पे वो बड़ा सा तालाब है जिसमें अभी छठ पर्व को लेकर उसके तालाब के बीच में फुहारा लगा गया है जिसमें दिखेगा कि पूरा पानी निकल रहा है, पूरा पानी का फुहारा देगा, लेकिन जो पानी का फुहारा लगा गया है वहाँ पे सुअर का बलि दिया जाता था। आप लोग समझ सकते हैं, जो झारखंड के पूर्वज थे वो लोग आप लोग देखते ही होंगे, गाँव देहात में रहते हैं आप लोग देखते ही होंगे, कहीं सुअर का, कहीं बकरी का, कहीं भेड़ का, कहीं मुर्गी का, तरह तरह के
जो हमारे पूर्वज थे वो बलि दिया करते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं जो पूर्वजों का वहाँ पे गाढ़ा हुआ था, पूर्वजों ने जो वहाँ पे किया था कि हम लोग यहाँ सुअर का बलि देंगे, उसको हटा के और वहाँ छठ पर्व के लिए वहाँ पे बीच में फुहारा लगा दिया गया है। तब अब यदि हम विरोध करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग आस्था का विरोध करते हैं, ये लोग विकास का विरोध करते हैं, ये लोग को बोलना नहीं आता है, ये लोग हमेशा बाहरी लोग का विरोध करते हैं। अरे भैया, हम लोग बाहरी पर्व का विरोध नहीं किए, बाहरी किसी भी चीज का विरोध नहीं किए। आप लोग कमाने खाने आए, आप लोग कमाइए खाइए, हमने कब विरोध किया है? लेकिन आप तो कमा रहे हैं, आप लोग खा भी रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारे ही जमीन में हमारी संस्कृति को धूमिल करके अपनी संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग झारखंडी के हितेशी हैं, हम लोग झारखंड का भला चाहते हैं। क्या आप लोग भला कर रहे हैं? आप लोग देखिए, अभी हमारी माताएं बहनें अभी रोड में हथियार लेके चल रही है, तीर धनुष उठाना पड़ गया है महिला लोगों को, जो वहां के पुरुष है वो लोग तीर धनुष उठा के जा रहे हैं और कोई नहीं आया। डीसी एसपी एसडीओ एसडीपीओ जितने कोई थे सभी को आए और सिर्फ सांत्वना दिए कि छठ पर्व खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम लोग वार्ता करेंगे। अरे भैया, मेरा जमीन है और आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा, आप मेरा मर्जी नहीं चलेगा, हमको वहां जाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है, ये कहां का नियम और कहां का संविधान है? बड़े बड़े संविधान की बात करने वाले को मैं यही चीज कहना चाहता हूं, जब कोर्ट ने आदेश दिया है, जब कोर्ट ने यह कहा है कि वो जमीन उनका है, वो अपने जमीन पर जो करना चाहे वो कर सकते हैं, मेरा जमीन है, हम उसमें पानी रखें नहीं रखें, हम कुछ भी करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। इसमें ना कोई बीडीओ सीओ एसडीओ ना कोई नेता मंत्री, किसी का यह अधिकार नहीं है कि वो आके और अपना वहां पे बैनर लगाएगा और अपना पोस्टर लगाएगा, अपना त्यौहार को वहां पे बढ़ावा देगा, अपना त्यौहार मनाएगा। मेरा जमीन है, हम जो चाहेंगे वो होगा, ना कि आपके हिसाब से होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जयराम महतो को खास करके ट्रोल करते हैं कि उसका बोलने का जो उसका लैंग्वेज है वो गलत है। अरे भैया, जब पानी सर से ऊपर चढ़ता है तब आदमी इस तरह की बातों का प्रयोग करता है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं। मैं ये चीज नहीं बोलना चाह रहा था कि कभी डीसी एसपी, हम सोचते थे बहुत ईमानदार हैं, बहुत नेक दिल के होते हैं वो लोग, यहाँ इस राज की सेवा कर रहे हैं, हम उन्हें सल्यूट करते थे। लेकिन अभी देख रहे हैं, जब हमारी माताएं बहनें हाथ में हथियार लेकर अपना जमीन बचाने के लिए निकली हुई है और अभी कहां सब सो गए हैं, कोई अभी नहीं, सारा पुलिस प्रशासन को भेज देते हैं, जाके रोक दो अपना। पुलिस का ताकत लगातार आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ का नेता मंत्री कोई भी मुद्दा हो, छोटा से छोटा मुद्दा में दो गाड़ी चार गाड़ी पुलिस भेज देते हैं, चाहे वो कंपनी का मामला हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, तरह तरह हम देखते होंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। जयराम दा ने पोस्ट किया कि अब बिरसा निर्मल बनो और बनना होगा, और यदि अब हम अपने अधिकार और हक के लिए तलवार उठाएंगे और तीर और धनुष उठाएंगे और किसी का संहार होता है तो इसके उत्तरदायी सरकार होगी, क्योंकि हमारी बातों को इतने दिनों से आंदोलन होने के बाद भी, इतने दिनों से मांग होने के बाद भी, आखिर ये लोग अपना इस जो ये अपना तालाब है, अपना जमीन में जो तालाब है जिसमें उनके पूर्वज अपनी संस्कृति अपनी पूजा करते थे, उसमें आप लोग जमीन भी अधिग्रहण कीजिएगा और उनकी संस्कृति को भी मिटाइएगा तो वहाँ के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज से पहले जेबी केसेस नहीं थी, जिस कारण से उस व्यक्ति के, उस परिवार के लोगों की बातें कोई नहीं सुनता था, ना विधायक मंत्री, उन्होंने तो कहा हम सबके पास ये बात लेके गए हैं, मंत्री विधायक सबके पास, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अंतिम में अभी जेबी केसेस वहां खड़ा है और जेबी केसेस जब तक है तब तक उस परिवार को न्याय मिलेगा, और जो उस तालाब में जो उनकी धरोहर थी, जो उनकी संस्कृति थी, जो वहाँ सुअर काटने का जो परंपरा था, वो सुअर काटने का परंपरा चलेगा, और जब तक नहीं चलेगा, और वहाँ पे बोर्ड भी लगना चाहिए, जिनका जमीन है उनके नाम का वहाँ बोर्ड भी लगेगा, और यदि बोर्ड नहीं लगता है तो उग्र आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कल्पना अभी तक झारखंड के में किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया होगा। तो मैं तमाम उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने वीडियो देखा, मैं और कुछ कुछ वीडियो क्लिप आप लोगों को अपने स्क्रीन में दिखाता हूँ, जिसमें वहाँ के लोग क्या अपनी बातों को बोल रहे हैं, किस प्रकार का माहौल था,
किस प्रकार का क्या है, कुछ कुछ और हम अपने इस वीडियो में ऐड करते हैं। आप लोग एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करते जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कहे कि हम एक छोटा मोटा यूट्यूबर से हमारा यही पहल है कि कोई भी समस्या हो जहां हम ना पहुंच पाए उसको हम अपने माध्यम से किसी भी प्रकार से आप लोगों के बीच पहुंचाएं कि ऐसा मैटर हो रहा है, ऐसा मामला हो रहा है, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये ना बसे कि जयराम महतो ऐसे वैसे बोलता है। कहे कि आप लोग विरोध करने वाला का वीडियो ज्यादा देखते हैं लेकिन गलत हो रहा है उसको कोई नहीं दिखाता है, इसीलिए हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये दिखा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या झारखंडी सिर्फ और सिर्फ इतने दिनों से लूटा जा रहा है और आगे भी लुटाता जा रहा है, लुटाता ही रहेगा, या फिर अपने हक अधिकार के लिए आगे आएगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।